हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कट वर्क के साथ पाइपिंग लगाना सीखेंगे, नेक डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने 15 इंच लंबी जो पेस्टिंग, इसकी लंबाई 15 इंच रखी है। जहाँ पे ये निशान लग रहा है उसमें से हमने ऊपर जो जिसमें कट नेक बनाएंगे उसके लिए मैंने 4 इंच इसकी लंबाई रखी है और डबल में 4 ही इसकी हमने चौड़ाई रखी है। तो इसको ऐसे ढक्कन की मदद से हमने ऐसे निशान लगा लिए हैं ताकि ये बराबर लगे। तो मैं इसमें सब में निशान ऐसे ही लगा लूँगी। नीचे का मैंने ये 10 रखा है पाइपिंग के लिए, ऊपर ये 4 इसकी है। इसको नेक को हम 4 इंच नीचे रखेंगे इसकी। तो ऐसे हम इसको कट कर लेंगे, जितना हमें रखना है इतना हम काट लेंगे। इस तरीका से काट लेंगे इसको। और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इसको बराबर कर लेंगे, छोटा बड़ा ना रहे। अब हम कट निकाल लेंगे इसमें। ढक्कन से अच्छे से ये कट निकल जाते हैं, इसलिए मैंने ढक्कन से लगाए हैं। तो अब मैंने कपड़े पर सिल ली है, पेस्टिंग को सिल लिया है। अब जो बीच है इसका जो बिल्कुल बराबर करके हम इस पर सीजर से निशान लगा लेंगे। ऐसे ही जो फ्रंट है हमारी कुर्ती का उस पर निशान लगा लेंगे और फिर दोनों को हम ऐसे स्टिच कर लेंगे कच्ची सिलाई से स्टिच करके, फिर ये अच्छे से निकल जाएगी। देखिए उस सिल के मैंने हमारे जो कट हैं वो निकल चुके हैं। अब इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग निकालने के बाद नीचे जो ये कपड़ा है, दोनों जो हमारे कॉर्नर है पाइपिंग के, उसको हम इसमें सिलाई कर लेंगे। बराबर बराबर हम इसको सिलाई करेंगे। देखिए अब मैंने सिलाई इसमें लगा ली है। देखिए अब हमारा जो कट नेक वर्क है ये तैयार है। देखिए अब इसमें मैं बटन ऐड कर लूँगी। अब इसमें हम बटन लगा